चिंतनम संदेव तिष्ठम भवती ओम श्री ब्रह्मागराधिपते नमः लक्ष्मी नाराभ्याम नमः महावेश्वराभ्याम नमः वाणी हृदयभ्याम नमः मात पितृभ्यो नमः श्री देवताभ्यो नमः कुल देव भैया भाई आगे अरे रीते जी हटिए आगे से और अभिनंदन करें कमल सिंह जी वर्मा अभिनंदन करें इधर देख लेना भाई
श्रीमान हरी किशन जी और विजय सिंह जी आए और मंडल के अध्यक्ष प्रदीप जी का साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। बेटा पीछे जाओ, हमारी एक और पार्षद मनवानी जी, योगेंद्र कश्यप जी, संजय जी, मेरा पुत्र और मेरी एब्सेंस में आप लोगों की सेवा में लगा हुआ डॉक्टर अलौकिक जी, कुशल संचालन कर रहे मेरे भाई के भागवत जी, चाह साहब और इस क्षेत्र के पूर्व पार्षद हमारे कुशवाहा जी, गुड्डू बैरन पार्षद जी, मेरे पुराने साथी विजय जी भी यहाँ बैठे हैं, बाकी सभी गणमान्य व्यक्ति, मातृशक्ति, सबसे पहले मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जन्म दिवस के अवसर पर आप लोगों ने मुझे शुभकामनाएं दी। आप सबकी शुभकामनाएं ही मेरा संबल है और यही मुझे आगे बढ़ने को प्रेरित करती है, यही मेरी शक्ति भी है जिससे मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, शुभकामनाएं मिलती रहे, यह ईश्वर से कामना भी करता हूं। हमारे युवा मोर्चे के मंडल अध्यक्ष संतोष जी भी बैठे हैं यहाँ पर। मित्रों, आप लोगों ने सबसे पहले मुझे 2012 में विधायक चुना था, 27,000 लोगों से मुझे जिताया था। उसके बाद 2017 का चुनाव हुआ, आप लोगों का स्नेह बढ़ा मेरे प्रति और 51,000 वोटों से आप जीता। और तीसरी बार जब मैं चुनाव लड़ा, आप लोगों ने लड़ाया, तो उत्तरोत्तर श्रेणी में बढ़ता रहा आपका प्यार और आपका स्नेह, मैं तीसरा चुनाव 57,000 वोटों से। इसमें हमारे नेतृत्व मोदी जी, योगी जी का आशीर्वाद और उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व और आप लोग का स्नेह, नहीं बात में कर लेना भैया। मित्रों, जब आपने मुझे चुना था पहली बार, तो मेरा रूटीन था कि जब आगरा में हूं, पार्टी के काम से लखनऊ या दिल्ली जाना पड़ता हो, जब उसके लिए अलग बात है, यानी 365 दिन किसी ना किसी मोहल्ले, गली, कूचे, कॉलोनी में जाना, आप ये बनी है तो वो भी बनेगी। ऐसा है ये बोतल, अगर गिलास में बदल के खाली गिलास होगा तो पहले गिलास खाली था, आधा भरेगा तो लोग क्या कहेंगे, दो तरह के लोग होंगे, एक तरह के होंगे कि गिलास आधा भर गया भाई साहब, पहले तो बिल्कुल खाली था। जरा माता जी चुप हो जाइए, एक तरह के लोग होंगे जो कहेंगे गिलास आधा पूरा खाली था, आधा भर गया, आशा करेंगे जब आधा भर गया तो आधा और भी भरेगा। एक आएंगे क्या, ए खाली पड़ाया था, खाली पड़ाया था, खाली पड़ाया था, कहना दोनों जने का जनों का सही है, लेकिन सकारात्मक सोच है कि यहां से यहां पर आए हैं, एक नकारात्मक सोच है कि वहां से ये गैप पड़ा है उसको दिखाते रहते, तो सकारात्मक सोच रखना चाहिए। इस क्षेत्र की क्या दुर्दशा थी मेरे विधायक बनने से पहले, आप सब जानते हैं, आज जब सड़कें बन रही हैं, गलियां बन रही हैं, यहाँ पर गंगा जल घर घर पहुंच गया है, नहीं पहुंचा वहां पहुंच रहा है, लेकिन व्यवस्था हो रही है, सीवर लाइन पड़ गई है, यहाँ सबके जगह की कीमत बढ़ गई है, जमीनों की, मकानों की,
अंडरग्राउंड लाइट हो गई है, मेरी कॉलोनी में नहीं है लेकिन यहाँ कराई है। मैंने जब प्रोजेक्ट लेकर आया तो पहले मैंने इस, क्योंकि यहाँ पर सीवर की सब खुदाई हो रही थी, पानी की खुदाई हो रही थी, मैंने कहा इधर पैसा इधर ही लगा दीजिए, एक बार इस खुदाई हो जा सकती फिर बनेगी सड़कें, अपनी तरफ नहीं लगवाई। यहाँ पर गैस सस्ती मिल रही है आपको, बिजली अच्छी मिल रही है, पानी अच्छा मिल रहा है, सड़कें अच्छी बन रही हैं, आगे भी तरक्की होगी। ये तो सतत प्रक्रिया है, विकास का चलेगी, चलती रहेगी, कोई पीछे हट रहा हो तो कहिए। हमारे पार्षद भी जुटे रहते हैं, सभी कार्यकर्ता जुटे रहते हैं, हमें बताते हैं, हम करते हैं, आगे भी कराएंगे। आपका आशीर्वाद मिलता रहे, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।